सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो जीत वैब टीवी ते मैं हाँ थोड़े नाल इंदरप्रीत कौर बनू। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की जेकर असी गल करिए तां सिर्फ पंजाबी ही नहीं बल्कि देशों विदेशों दे विच वसदे तमाम लोग इस दे दीवाने ने। ते जेकर इस इंडस्ट्री की गल की जाए तो कंटेंट जिहड़ा है वह बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुसी समय दे नाल अपने विच किस तरह अपनी गायकी दे विच बदलाव लियांदे हो, ये बहुत ज़्यादा दर्शकों के उपर प्रभाव पाउंदा है। सो इसे दे चलदियां अज जिहड़ी शख्सियत साडे नाल मौजूद ने अजीत वैब टीवी के जरिए तुहाडे सब दे नाल, उन्हां दी जेकर गल की जाए 2007 विच उन्होंने शुरुआत की अपने जो म्यूजिक सफ़र की, उस तो बाद हुण तक की जेकर गल की जाए उन्हां दा सफ़र खूबसूरती भरिया रहा ते हुण उन्हां दे नाम तीन जिहड़े रिकॉर्ड्स भी दर्ज हो गए ने। ते जदों तीन रिकॉर्ड्स की गल आती है तो हूँ हर कोई जानता है कि मिस पूजा ही ने जिन्हों के नाम तीन रिकॉर्ड हुए ने। सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा। शुक्रिया जी, मेहरबानी, सत श्री अकाल ते अजीत वेब टीवी वेख रहे सारे व्यूअर्स नु मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। बिल्कुल पूजा, जेकर गल की जाए इन्हों तीन रिकॉर्ड्स की तो सब तो ज़्यादा गाने जाने कि 4500 तो भी ज़्यादा गाने, तो उस तो बाद म्यूजिक एल्बम्स की गल की जाए 300 तो भी ज़्यादा म्यूजिक एल्बम्स, तो म्यूजिक वीडियोज़ की परफॉर्मेंस की गल की जाए तो 850 तो भी ज़्यादा। अच्छा, मतलब ये तो पूछना मैनू लगता नहीं बनता कि किदा का फील कर रहे हो, ये पूछूंगी कि कभी गिणिया कि इन्ने हो गए ने। पहला नहीं सी गिणिया जी पर मेरे तो ज्यादा जिहड़े मेरे चाहण वाले ने फैंस ने ओह पूरी काफी लिस्ट बना के रखते हुंदे सी, जी बट नेवर कदी जोड़िया नहीं। बस इन्ना जरूर पता सी कि जदों जदों शुरू किया सी उदों सी वी एक दो गाने गाउण नूं मिल जाणगे बहुत है जी, आपां बहुत खुश हां टीवी ते आवांगे बहुत वड्डी गल है, जी बट स्रोतियां दे प्यार करके वाहिगुरु दे आशीर्वाद नाल ट्रेन दे डब्बे इन्ने सारे जुड़ गए कि इन्ने सारे गीत मेरे मेरी झोली पए, इन्ना प्यार मिलिया। क्योंकि जदों प्यार मिल रहा हुंदा ना, जदों तुहाडी तुहाडी गीत पसंद कीते जा रहे हैं ताही तुसीं इन्ना काम कर सकते हो, एंड मेरे स्रोतियां दे मेरे फैंस दे करके मैनू इन्ना मौका मिलिया। ते 850 म्यूजिक वीडियोज मतलब मैनू नहीं लगता पूरी दुनिया च किसी ने कीतियां होनियां, एंड बहुत वधिया लगता है बीइंग अ पंजाबी के ये पूरे पंजाबियों वास्ते भी कह सकती हाँ भी मान की गल है कि आपां पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री या पंजाबी कोई भी वधिया काम करते हैं तो सारियां नूं इक्वली माण हुंदा, सो वधिया लग रहा। बिल्कुल। अच्छा, जदों भी आप करते हैं कि जदों बहुत ज़्यादा कोई खुशी वाली गल हुंदी है ना, फिर या तो गाँव हैं या फिर डांस करते हैं, डांस तो फिलहाल नहीं हो सकता, पर हाल ही दे विच तुहाडा जिहड़ा गाना डीजे वजदा रिलीज़ होया, मैं चाहुंदी हाँ कि वह गा के जरूर सुना दो, एक किस्म का जिहड़ा आप जश्न की शुरुआत भी कर लाँगे तो दर्शक जरूर उस गाने नूं सुनना चाहुणगे क्योंकि बहुत पसंद किया जा रहा उसनूं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, सारे बहुत प्यार कर रहे ने। हाँ, ए चीज मैं सोची नहीं पर तुहाडा पॉइंट सही है कि अवार्ड्स मिले हैं नाल दे नाल डीजे बजाता। बिल्कुल नाल दे अपने मतलब सारे नु ए भी कहंदी हुई हां भी हां आई नो कि डीजे तां हजे वज नहीं रहे, सो घरे बह के अपनी फैमिली नाल घरे डेक लाओ ते एंजॉय करो, ते फिर मैं थोड़ा जिहा सुना। जी जी, रुकी जरा रुकी फोन बाद विच करी, रुकी जरा रुकी फोन बाद विच करी, तेरे कोलों दस कदा परदा, डीजे वजदा गवांडियां दे, मेरा दिल नचणे नु करदा, डीजे वजदा गवांडियां दे, मेरा दिल नचणे नु करदा, डीजे वजदा गवांडियां दे। जी बहुत, क्योंकि मैं पता है जेकर आ करोना वाली सिचुएशन ना होंगी ना फिर ये डीजे तो यही गाना वजना सी, पर हूँ असी वेट कर लें खुले फिर उस तो बाद डीजे वजन के फिर ये गाना वजेगा। जी अच्छा पूजा, जिदा जेकर गल की जाए एक बहुत वड्डा तुसी मुकाम हासिल किया, क्योंकि मैं याद है बचपन तो मतलब जदों असी थोड़े स्कूल जाते होंगे सी उदों तो मतलब एक दौर थोड़ा सी मिस पूजा का दौर है कि गाने करने ने ते थोड़े नाल करने घर भी बड़ा क्रेज़ हुंदा सी कि ओ मिस पूजा का गाना आ रहा, मतलब इन्ना ज़्यादा तुसी अपना दौर चलाया, पर एक स्टार पूजा नूं ते हर कोई जानदा है, पर पूजा दे इस स्टार बन तक दा जिहड़ा सफ़र है उस दे विच बहुत सारे संघर्ष रहे होणगे, जेकर उन्हां दी गल कीती जावे तां किन्नियां सारियां चुनौतियां जिहड़ियां तुहानूं इस दौरान आईयां? चुनौतियां मैं कहूंगी कि जी इस तरह चुनौतियां नूं मैं लवांगी कि म्यूजिक इंडस्ट्री च आउण तों पहलां मैं काफी चुनौतियां दा सामना कीता, क्योंकि म्यूजिक नूं मैं अपना प्रोफेशन बनाउणा चाहुंदी सी। जरूरी नहीं सी कि मैं सिंगर ही बनना है, प्रोफेशनल सिंगर ही बनना है, बस म्यूजिक नाल जुड़े रहना चाहती सी। सो ओदे करके मैं राजपुरा साडा छोटा जा शहर है बड़ा प्यारा ते उथों बिलोंग करदी सी, ते उथे प्लस 10th तक
ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨੀ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਲਜ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਾਲਜ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੀ ਏ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੈਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਐਫਰਟਸ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਆਫਕੋਰਸ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਐਲਬਮ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਜੈਲੀ ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਢੱਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਰੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਦਮਾ ਦਮਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਰਨੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਮਿਹਨਤ 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 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਡੀਜੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਰਸੀਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਰਸੀਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਨਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰ ਬਦਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਕਰੇਟ ਹੈ? ਸੀਕਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਕਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਨਰਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੁਕਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਕਿੰਨਾ ਨਮਕ ਮਸਾਲਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਪਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਬੈਠਾਂਗੀ ਨਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਟੇਸਟ ਉਸ ਕਰਕੇ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਜ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫੋਰ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਫੋਕ ਸੌਂਗ, ਗਜ਼ਲ, ਸ਼ਬਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਾਇਆ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੋ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਟਰੈਕਸ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਤਲਬ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਰਵੋਨੇ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਲੈ ਪਵੋਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੋੜਦਾ ਏ ਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੋੜਦਾ ਏ ਦਿਲ।
जी बिल्कुल, बहुत सोहना गाना है। जदों सुनो इदा लगता है कि इसनों होर बार बार सुनिया जाए। अच्छा, इस तो बाद जेकर आप इंडस्ट्री की ही गल करिए, तो इंडस्ट्री के विच तुसी एक मतलब कि एक ट्रेंड सैट किया कि जिहड़ियां कुड़ियां ने वो अपना एक दौर चला सकदियां ने, अपनी गायकी दे नाल बहुत सारे जिहड़े लोग ने उन्हां नूं पसंद कर सकते हैं। तो जेकर गल की जाए तो उस समय दौरान भी ज़्यादा फीमेल सिंगर नहीं सी, पर हुण दी भी जेकर गल की जाए उन्ने वड्डे पद्धर ते, जे मेल सिंगर्स दी गल कीती जावे तां बहुत ज़्यादा ने, पर फीमेल्स जिहड़ियां ने ओह ज़्यादा नहीं आ पा रहियां। कि तुहानूं की लगदा है कि इहदा की कारण है, या कोई सपोर्ट नहीं मिलदी, या उहनां नूं करियर 'च कोई सपोर्ट नहीं करदा, या की इसदा कारण? देखो फर्क तां पिया है, जी पर कह सकते हो कि उस टाइम चार पांच गिनती च कर सकते सी, चार पांच कुड़ियां ही सी बस, है ना। ओ भी मोस्टली बैक स्टेज, जी, स्क्रीन ते बहुत घट, है ना। सुदेश कुमारी जी, प्रवीण पाटा जी, गुरलेज होरी, एंड 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 मे बी वन टू मोर, है ना। पर हुण उस पता है, उदों तो ही जदों मैंने इंटरव्यू च पूछा जाता सी ना, यही एक क्वेश्चन था, मतलब हमेशा पूछा जाता सी बीइंग अ गर्ल, है ना, के भी होर कुड़ियां कातों नहीं आंदियां कातों। मैं उदों भी मतलब हाथ जोड़ के बेनती करती सी कुड़ियां तो ज्यादा उन्होंने पेरेंट्स नू, क्योंकि कोई डाउट नहीं कि कुड़ियां आना चाहदियां ने, बट क्योंकि कई बार उन्होंने सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर वो अगे नहीं बढ़ सकते। ते उदों भी मैं बेनती करती हुंदी सी पेरेंट्स नूं कि प्लीज अपनी कुड़ियां नूं आण दो, क्योंकि मैनू माण है कि मैं इस इंडस्ट्री दी मैंबर हाँ, मैनू माण है क्योंकि वधिया रहा मेरा करियर, सारे ने बहुत प्यार किया, नो डाउट। थोड़े बहुते कौड़े शब्द भी कदी कदी सुनने नूं मिल जाते हैं, बट ठीक है, वो हर फील्ड च तुसीं जे जाके जॉब करोगे कितने उत्थों भी कई बार प्रोफेसर तो डांट, प्रोफेसर कह रही हाँ जो ऑफिस तुहाडे बॉस है डांट पै ही जाती है। सो हुंदा रहिंदा है कि जिहड़े फैंस तुहानूं प्यार करदे कदी कदी कुछ कह भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर फिर भी मैं यही कुड़ियां नूं रिक्वेस्ट करा कि जिन्हां नूं भी म्यूजिक का शौक है पहला तो हो चंगी तरह, है ना, जे तू तुहानूं है कि भी हाँ सीख लिया आपां कुछ कर सकते हैं, हुण फिर पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि उन्हां दी सपोर्ट करन, उन्हां दी हेल्प करन, किते जा रहे हैं रिकॉर्डिंग्स ते जा रहे हैं या किते जे कुड़ियां ने जाना चाहदियां उन्हां दे नाल खड़न, क्योंकि मेरे नाल मेरे पापा, मेरा ब्रदर हमेशा मेरे नाल, सो मैनू बहुत उहदे नाल हेल्प मिली। सो बस इह है वी मैसेजेस भी सच्ची दसां कुड़ियां दे बहुत आंदे कि मैम असीं कुछ करना चाहते हैं सानू दसो, जिथे तक हो सकते हैं मैं गाइड कर सकती हूँ, मतलब हर किते तो मैं जा नहीं सकती, बट यही कहनी हाँ कि वक्ख होके ना करो कुछ, पेरेंट्स नू छड़ के कुछ ना करो, क्योंकि उना तो वक्ख होके मतलब फिर तुहाडे वास्ते औखा हो जाएगा किते भी कुछ भी जाना, किते जा रहे हो बिकॉज यू कांट बिलीव एनी वन, है ना, सारे नू तो आपा विश्वास कर नहीं सकते, इट्स बैटर कि अपनी फैमिली नू नाल लेके जाओ। जी बिल्कुल। अच्छा, हुण फिर अगे दे की प्लान्स ने, हुण किहड़े प्रोजेक्ट्स दे उपर काम कर रहे हो, ते हुण किन्ने जिहड़े लगदा है कि हुण कोई होर नवा रिकॉर्ड बनाउणा है? थैंक यू, मतलब पहली तो बहुत माण मैनू महसूस हो रहा है कि यह रैकड मेरे नाम आया, ते कोशिश यही रहेगी कि मेहनत ना छड़ी जाए, मेहनत उसी तरह करी जाए, क्योंकि हर गाना जदों असीं करदे आ यही सोच के करदे आ वी इह कुछ डिफरेंट होएगा ते पहला तो बेहतर होएगा। ते हुण हुण इह करोने दी मेहरबानी करके शोज दा हो नहीं रहे, सो तुसीं देख सकदे हो स्टूडियो च हैगी आ मैं, ते ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੁਇਟ ਸੌਂਗਸ ਗਏ ਨੇ, ਐਲਬਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਲੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 8-8, 10-10 ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। जी बिल्कुल। अच्छा, की सुनेहा देना चाहते हो अपने फैंस नू, ते जे थोड़ा जिहा म्यूजिकली अंदाज दे विच हो जाए तो बहुत ज्यादा वधिया होगा। ओके, केड़ा गाना सुनावा? जेड़ा जेड़ा थोनू सब तो ज्यादा वधिया, वैसे तो सारे गाने वधिया पर सब तो ज्यादा वधिया जेड़ा? सब तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा सब तो फेवरेट है, बिकॉज़ बहुत सारे फेवरेट है, बट मैं गीत सुना दनी है, बहुत ही प्यारा, क्योंकि मेरी पहली सोलो एल्बम सी रोमांटिक जट, ओदा है गाना सी प्यार हो गया, ए भी सबनु बहुत पसंद है, मैंने भी पसंद है, सुना दनी। रब ने सोना यार मिलाया, फुल्ला वरगा दिलदार मिलाया,
रब ने सोना यार मिलाया, फुल्ला वरगा दिलदार मिलाया, साडे दिल वाला बेड़ा पार हो गया रब्बा, सानू भी किसे दे नाल प्यार हो गया रब्बा, सानू भी किसे दे नाल प्यार हो गया। जी बहुत सो मैनू मेरे फैंस बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन्होंने बहुत प्यार करती हूँ। कहना गीत राही जी स्नेहा दोस्त, मैं ही कहना जी चाहूंगी कि जी तोड़े प्यार सदका मैं इतने तक पहुंची हूँ। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनिया ब्लेसिंग्स प्लीज इसी तरह बनाइए। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा कि समा कट के तुसी साडे नाल इस इंटरव्यू दे विच, इस गलबात दे विच जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक थैंक बार यू फिर सो तो मच। बहुत बहुत मुबारकबाद जो थोड़े इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच ये 3 रिकॉर्ड्स थोड़े नाम हुए ने, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, जी। मेहरबान। सो इस दे नाल हुण मैनू इंदरप्रीत कौर पन्नू नूं दिओ इजाज़त, तुसीं वेखदे रहो अजीत वैब टीवी। धन्यवाद।